अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेखर मतली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में 27 अगस्त को सैयद मुजाहिद नामी नौजवान पर पुलिस उसी के दोस्तों ने हमला किया था। छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तब से ये हॉस्पिटल में जेर इलाज था, लेकिन आज सैयद मुजाहिद का इंतकाल हो गया। अब अटेम्प्ट मर्डर से अब यह मर्डर केस हो जाएगा। जिस तरह से छोटी छोटी बात पर कत्लेआम हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से कार्रवाई करने की ज़रूरत है। खुलेआम कत्ले हो रहे हैं और इस तरह से हमले कर रहे हैं, हथियारा रखे फिर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस की चेकिंग के बाद भी, पुलिस की तलाशी के बाद भी ये लोग को हथियार नहीं मिल रहे हैं। या तो हमारी टाइमिंग गलत है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ नौकरी के नाम पर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर हमें वाकई क्राइम को कम करना है या हमें ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना है, कार्रवाई करना है, तो फिर पूरी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है, जस्तजू से काम करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो इस तरह से खुलेआम कत्ले कर रहे हैं। देखते हैं सुबह। बोलूं? हाँ सर, शुरू करो। मेरे बच्चे इतवार के दिन मेरा बच्चा घर पे था, उसको बुला लेके गए, बुला लेके जाके जो है प्रिंस पंचानाल में बुला लेके जाके उसको प्रिंस बार बालाजी बार में ले जाके उसको खिलाए खिलाए पिला खिला के उसको मेरे बच्चे को मार के ग्रेनेड डाल के मेरे बच्चे को मार दिए। और जो है सो ना दवाखाने को लाए, बाद में कोई आए नहीं, कोई लीडर आए ना कोई आए। हाँ, मेरे बच्चा को जो है करना खाना था, मेरे बच्चे को एक बेटा और बेटी है, उन्हें वही जिम्मेदार आदमी था, उसको कोई ये नहीं था, उसको पिला के मारे। और जो है सो नाम एक अज्जू और खुदबू खुदू रहीम, दो तीन जने हैं साहब, ग्रेनेड डाल के मारे। बच्चे को जो है ये दिमाग की जगह पे लग गया, वो वहीं कुंद हो गया, बच्चा वहीं पे बेहोश हो गया, तो भी ऊपर से ग्रेनेड डाल रहे थे। उस्मानिया को लाए, उस्मानिया में ट्रीटमेंट बराबर नहीं हुआ मेरे बच्चे को। बार बार हम जा रहे तो डॉक्टर हमको ये बोलते थे, झिड़कियाँ दे के भगा देते थे, और जो है सो बहुत तंग कर रहे, कोई नहीं आना वो नहीं आना बोल के झिड़कियाँ दे के आदमी की कोई इज्जत नहीं रखते थे। ऐसा कर करके दिए, कोई लीडर आया नहीं, कोई बड़े लोग आके नहीं बोले। हम खुद जाके उनके पास रिक्वेस्ट करें तो वहाँ से फ़ोन करके क्या बोले नहीं मालूम, लेकिन हम हाँ बच्चे जब से उतर करे। आज क्या हुआ? आज जो है सो रात में दो बजे इनका दम गया। बाद में मैं जाके देखा तो पेट जो है चलना, सांस बंद हो गई थी, तो मैं डॉक्टर साहब को बोला ऐसा हो गया। बोले तो मैं जो है दूसरे काम में हूँ, मैं देखता हूँ, जाओ तुम बाहर जाओ बोल के ऐसा बोले। तो अब हम लोग क्या कर सकते, अब उनका सुनना बोल के हम बाहर आके ठहर गए। तो सुबह में 8 से 8:30 बजे डिक्लेयर करे वो बात। आज चारशंबे के दिन 8:30 बजे डिक्लेयर करे तो हम लोग मुर्दे खाने में है, हम लोग पोस्टमार्टम पे लेके आए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ कोई बड़े आदमी कोई है ही नहीं, सिर्फ सर्कल साहब वो आए हैं, चल रहा जो रो बच्चे छोटे, एक बच्ची है, एक बेटा है, और उनके लिए इंसाफ होना, और जो मारे और उनके लिए कड़ी सी कड़ी सजा देना, और उनको 2-3 महीने में छोड़ना नहीं है, उनके बेल ऑर्डर कोई एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, उनको फिर डबल पीटीआर तक डाल के उनको जो है, या नहीं तो उम्र कैद की सजा देना, इंसाफ होना। ये मर्डरों पे मर्डर। और वो प्रिंस बार के पास में देखो तुम, पब्लिक को चलने जगह नहीं है, उतनी जगह नहीं है वहाँ पे पीना लड़ना करना। हाँ, औरतें जा रहे आ रहे कर रहे, वो कुछ नहीं है, खाली पीना रोडों पे पड़ रहे कर रहे, वहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है। हाँ, ना हम लोगों को वहाँ पे लिख जाके किसी से बयान लिया, ना कोई एक्शन लिया। तो हमारे को इंसाफ होना, और मेरे वो छोटे दो बच्चे हैं, उन्हें जिम्मेदार आदमी था, उनके लिए कुछ इमदाद होना। तो असद साहब केसीआर साहब और केटीआर साहब, एमएलए साहब, उन लोगों से मेरे मदद चाहिए हमको,
वो बच्चों के लिए, उनकी बीवी दो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो मदद चाहिए। हाँ, हम खुद किराए के घर में हैं, उनको ही हम मतलब देखने वाला कोई नहीं है उनको, वो बच्चों का कैसा होगा क्या होगा ये आप लोग जरा हमको गुजारिश है साहब, आप लोग कुछ मदद कीजिए। भाई को इंसाफ होना, मेरे भाई को मार डाले, मेरे भाई को तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको कौन देखते, मेरे भाई को मार दिए, पी के मार दिए, सैयद मुजाहिद है मेरे भाई का नाम, ये प्रिंस बार में आसिफ नगर पे मार दिए, और ये इतवार के दिन रात में 9 बजे हुआ था। देखो इंसाफ होना, मेरे भाई आज डिक्लेयर कर दिया, मेरा भाई मर गया बोल के 8 बजे डॉक्टर आए डिक्लेयर करे, उस्मानिया हॉस्पिटल। मेरे भाई को इंसाफ होना, मेरे भाई को मार दिए ACR साहब, KTR साहब, MLA साहब, पूरों से मेरे भाई को गुजारिश है, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ, मेरे भाई को मार दिए, मेरे भाई को छोटे छोटे बच्चे नाजायज मार दिए, पी लिए खा लिए मार दिए, फिर वैंसकन वैसीज पब्लिक है, फिर क्या बोले तो वैंसकन मार लिए कर लिए, बोले इंसाफ ही नहीं हो रहा, मेरे भाई को पुलिस एक्शन नहीं ले रही, डॉक्टर भी सही टाइम पे इलाज नहीं करे, ये आप लोगों से गुजारिश है, मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ।